हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं पेशे से इंडियन शेफ़ हूँ और अभी मैं नॉर्वे में जॉब करता हूँ। उसके पहले मैं पोलैंड में करता था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू कैसे क्लियर करें और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो मेरा ये स्पेशल वीडियो है। इंटरव्यू में पोलैंड एम्बेसी में अगर से बुलाया जाता है तो इंटरव्यू के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डरना, आप डर डरना ज़रूरी नहीं है। और अगर से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि अगर से मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो मुझे हिंदी के लिए ऑप्शन मिलेगा कि नहीं। हाँ, मिलेगा ऑप्शन हिंदी के लिए, अगर से इंग्लिश आती है तो और अच्छा। अगर से जैसे बिल्डर में जाते हैं और एग्रीकल्चर साइड में जाते हैं लोग, और जो भी है छोटे मोटे फैक्ट्री में, पैकिंग कंपनी में जाते हैं, तो उनके लिए प्रोवाइड करते हैं हिंदी में, हिंदी बोल के कन्वर्ट इंग्लिश में करने के लिए। अगर से वो इंग्लिश में बोलते हैं तो आपको ऑप्शन देंगे कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। अगर से आपको नहीं आती तो आप, अगर से नहीं आती तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो बंदा एक देंगे जो वो आपको इंग्लिश से हिंदी में बताएगा और इंग्लिश का हिंदी में बताएगा, हिंदी का इंग्लिश में उनको बताएगा। तो आप घबराने की बात नहीं, और आपके पास जितने जो जो एक्सपीरियंस है, और मैं यही बात बोलूँगा, आप जो भी है आजकल इंडिया में बहुत फ्रॉड चलने लगा है, जैसे सर्टिफिकेट हैं या कुछ भी, तो यही मैं बोलूँगा कि जो भी है सर्टिफिकेट हमेशा मतलब ओरिजिनल रखें, और आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं, जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं। मेरे से तो वैसा पूछा नहीं था, लेकिन मैं बोल सकता हूँ वो लोग हैं, क्या पता पूछ लें कि डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं जब इंटरव्यू में जाते हैं। और रही बात इंटरव्यू में, आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे जो मेरे से किया था, मेरे से क्या हर लोगों से यही करते हैं। सबसे पहला तो जहां आप जा रहे हैं उस सिटी का नाम याद हो, कंपनी का नाम याद हो, और एड्रेस जो है उसका एड्रेस याद हो, कंपनी के ओनर का एड्रेस, और जो डमी टिकट हम कटाते हैं जो सबमिट कर रखी होती है, तो उसके बारे में आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनका क्वेश्चन यही रहता है। ये पूछते हैं इसके लिए क्योंकि उनको पता चले कि ये बंदा अगर से जा रहा है तो इसको पता है कि नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। और बहुत से लोग बोल देते हैं मुझे पता नहीं है ये वो, तो इसीलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसीलिए रिजेक्ट हो। अगर से आप बोल दोगे मुझे पता नहीं है कहाँ से कहाँ है, तो फिर वो यही सोचेंगे जब उसको पता नहीं है कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो जब पता नहीं है कहाँ से कहाँ, तो वो रिजेक्ट ही करेंगे। अगर से उधर जाके आपने ऐसे ही बोला कुछ भी कि कहाँ से कहाँ, तो क्या है ये, कौन सा क्वेश्चन आंसर हुआ। इसीलिए
आप अपना एड्रेस और जो जो भी है एड्रेस उसके साथ याद रखें, और फ्लाइट जो डमी टिकट है उसका इस डेट से, मैं इधर से जैसे आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से दुबई, दुबई से पोलैंड या क्राको, पोजनान, वॉर्सो, जो भी सिटी है वो, फिर उधर से वो पूछेंगे कि आपको उधर आप सेल्फ जाओगे या आपको कंपनी रिसीव करने आएगी, तो बोलने का कंपनी रिसीव करने आएगी। जो 100% मैं ये बता रहा हूँ जो बहुत सही है, और कोई भी हो आपको फेल नहीं कर सकता जो मैं बता, क्योंकि देखो वो तो एक प्रोफेशनल तो है नहीं। अगर से मैं होटल लाइन का हूँ तो होटल लाइन का तो इंटरव्यू करेंगे नहीं, सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो और किस पर्पस से जा रहे हो, पर्पस मतलब कौन से वीज़ा में जा रहे हो और कितने साल का एक्सपीरियंस है, उधर जाके क्या करोगे, यही पूछते हैं। तो मैंने यही आंसर दिया था कि मैं जा रहा हूँ वर्क परमिट में और वर्क वीज़ा में, और मैं एज़ ए कुक, एज ए इंडियन शेफ जा रहा हूँ, और मेरा काम कुकिंग का रहेगा जिसके लिए मुझे चूज़ किया गया है। और मुझे पूछा गया था टैक्स के बारे में, सैलरी आपका ग्रोस सैलरी क्या है, तो मेरा उस टाइम सैलरी था 2500 जलोटी था, तो 2500 जलोटी, तो मेरे से पूछा था कि आपको विदाउट टैक्स है और विद टैक्स है, तो मैंने बोल दिया कि ये विदाउट टैक्स है ऑल। तो टैक्स कटने के बाद 2200 मतलब 2200 मेरा आता था, 400 टैक्स कट जाता था, 300 जलोटी मेरा टैक्स कट के मेरा 2200 आता था। तो यही है भाई, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस वो इतना हार्ड नहीं है। कोई लोग इंटरव्यू के नाम से हाइपर हो जाते हैं और कुछ का कुछ बोलते हैं, और जो बोले उसी का आंसर देना है, आप अपनी तरफ से नहीं बोलना एक्स्ट्रा। किसी किसी का एटीट्यूड रहता है ना कि मतलब अगर से बंदे ने एक बात बोली तो वो 10 बातें गिना देता है, तो ऐसा नहीं, जो बोले उसका क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आंसर देना है। तो घुमा फिरा के नहीं, वही स्ट्रेट अवे जो पूछे वही देना है, बस मेरा यही कहने का मतलब है। और मेरे से यही क्वेश्चन किया था, इससे ज़्यादा तो मेरे से किया नहीं था, और मुझे एक से उसके बाद एक हफ्ते में मुझे हाथ में पासपोर्ट मिल गया, और मेरे साथ बंदे थे उनने भी दिया था, तो एक दो बंदे का रिजेक्ट हो गया था। अब वो पता नहीं मेरी किस्मत थी या क्या थी, और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपके पेपर जो लगा रहे हो और जो कंपनी है, कंपनी भी स्ट्रांग होनी चाहिए जो बराबर से टैक्स भरती हो, बराबर से टैक्स भरने वाली हो कंपनी, और केयर करती हो एम्प्लॉय की, फैसिलिटी हो और कंपनी का स्टेटस हो अच्छा, ये भी डिपेंड करता है। तो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी तरफ से गलती नहीं करना, बस यही है। मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए कि भाई कोई भी हो अगर से मेरी तरफ से हेल्प हो रही है किसी की तो हेल्प कर दूँ, और ये ऐसा ही मेरा रहेगा क्योंकि मैंने स्ट्रगल देखा है अपने उसमें, और मैं यही चाहता हूँ कि क्योंकि मैं भी जब गया था तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए, तो मैं ढूंढता था नेट में और यहाँ वहाँ, तो मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं पर्सनली मैंने वीडियो बनाई है सबके लिए, और यही बनाया है कि किसी को आगे चल के कभी फ्यूचर में हो
तो ये क्वेश्चन का आंसर उसको मिल सके यूट्यूब के थ्रू। और मैं यही चाहता हूँ कि ये आपको हेल्पफुल होगी मेरी ये वीडियो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने अभी चैनल बनाया है और मैं चाहता हूँ आप लोगों के सपोर्ट से कि मुझे और कुछ वो हो, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ आपकी हेल्प के लिए, और भी वीडियो बनाऊँगा। जैसे आप यूरोप से दूसरा कंट्री अप्लाई करना चाहते हो तो हो सकता है कि नहीं, और भी वीडियो हैं बहुत सारी जो लोगों को पता नहीं है आने के बाद क्या करना क्या नहीं और इधर का एक्सपेंस क्या है। मैं सब की चीज़ में वीडियो बना के डालूँगा, और इधर आके क्या क्या डॉक्यूमेंट और सबमिट करने पड़ते हैं, आपको अकाउंट के लिए क्या चाहिए बैंक अकाउंट के लिए, और इधर एक जो लीगल वो बनता है पेसल नंबर जो बोलते हैं, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा, वेरी इजी है वो सब के बारे में वीडियो बना के मैं डालूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, तो मैं आगे की जो भी है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।